हेलो फ्रेंड्स, आईटी कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमएस एक्सेल के एक्सरसाइज सीरीज में अभी तक हमने 4 असाइनमेंट सॉल्व किए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जहां पर उसके बेसिक इंस्ट्रक्शन देखिए यहां पर दिए गए हैं और इस तरह का डेटा हमको अपने वर्कशीट के अंदर एंटर करना है और दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पे अपने वर्कशीट के अंदर कैलकुलेशन करना है। इसमें पहला स्टेप है क्रिएट द वर्कशीट सोन एबव एंड सेट द कॉलम विड्थ एप्रोप्रिएटली। मींस हमको इस तरह का डेटा अपने वर्कशीट के अंदर इंटर करना है और कॉलम विड्थ को इसके अनुसार अपने वर्कशीट में सेट करना है। आइए हम सबसे पहले अपने वर्कशीट में डेटा इंटर कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमने वर्कशीट के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पे डेटा इंटर कर लिया है और उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग भी कर ली है। इसके बाद इसमें अगला स्टेप है फाइंड द टोटल मार्क ऑफ ईच स्टूडेंट वेयर टोटल इक्वल टू टेस्ट एवरेज प्लस प्रोजेक्ट। मीन्स हमको यहाँ पर टोटल मार्क फाइंड करना है और उसे निकालने के लिए हमें टेस्ट एवरेज और प्रोजेक्ट को एड करना है। तो आइए हम इसे अपने वर्कशीट के अंदर एड कर लेते हैं, इक्वल टेस्ट प्लस प्रोजेक्ट और इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। इसे आप माउस से ड्रैग करके बाकी स्टूडेंट का टोटल मार्क कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल मार्क कैलकुलेट करना हमने प्रीवियस असाइनमेंट में भी सीखा था। इस असाइनमेंट में हम इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे, जो हमने प्रीवियस असाइनमेंट में नहीं किए हैं। और इफ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जो कंडीशन के बेसिस पे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेप में दिया गया है यूजिंग इफ स्टेटमेंट फाइंड द फाइनल ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इफ टोटल इज ग्रेटर देन 60 देन फाइनल ग्रेड इज पास अदरवाइज फेल। मीन्स हमको यहाँ पर चेक करना है फाइनल ग्रेड में और उसमें कंडीशन ये है कि जिस स्टूडेंट का टोटल मार्क 60 से ग्रेटर देन है वो स्टूडेंट पास रहेगा, नहीं तो फेल रहेगा। तो आइए हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं अपने वर्कशीट के अंदर। फाइनल ग्रेड निकालने के लिए इक्वल इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इफ का सिंटैक्स हमको दिख रहा है, जहाँ पर पहला जो आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। मीन्स कि हमको किस बेसिस पे इफ फंक्शन को चेक करना है। तो हमारे पास कंडीशन पहले से डिफाइन है, हमको टोटल मार्क चेक करना है। तो यहाँ पर हम पहले स्टूडेंट का टोटल मार्क सेलेक्ट कर लेंगे और इसे कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 60, उसके बाद कॉमा लगाइए। और अगर ये टेस्ट सही होता है, मींस ये कंडीशन अगर सही होती है, तो कॉमा के बाद ये जो ट्रू वाला एक्सप्रेशन है फंक्शन के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें पहले कंडीशन में हमको लिखना है पास, कॉमा लगाइए, और दूसरे कंडीशन में हमें लिखना है फेल। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। तो देखिए यहाँ पे पहले स्टूडेंट का पास दिखा रहा है। क्यों पास दिखा रहा है? क्योंकि इसका टोटल मार्क 60 से ज्यादा है। देखिए यहाँ फार्मूला बार में जो फंक्शन में हमने क्राइटेरिया दिया है वो दिख रहा है। इस फंक्शन को हम नीचे बाकी स्टूडेंट के लिए कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट का फाइनल ग्रेड कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पे जिस स्टूडेंट का 60 से लेस देन है उसका फेल दिखा रहा है और बाकी स्टूडेंट जिनका 60 से अबव है वो पास है। इसके बाद अगला स्टेप है फाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टूडेंट If project mark is less than 6, then performance is poor, otherwise okay. Means जिस भी student का project mark 6 से कम है उसका performance poor आना चाहिए, नहीं तो okay आना चाहिए। तो आइए हम इसे भी worksheet के अंदर calculate कर लेते हैं। Equal if bracket open करिए और हमें project को check करना है। तो यहाँ first student का project mark select करिए, उसके बाद यहाँ condition set कर देंगे less than equal to 6, comma double inverted comma के अंदर poor लिखेंगे, फिर comma लगाएंगे, फिर double inverted comma के अंदर okay लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो पुअर आ रहा है, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट मार्क 6 से कम है। इस फंक्शन को बाकी स्टूडेंट के लिए कॉपी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस उनके प्रोजेक्ट मार्क के अनुसार कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हमें स्टूडेंट का क्लास एवरेज, उसका हाईएस्ट ग्रेड, लोवेस्ट ग्रेड और नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है टू कैलकुलेट द क्लास एवरेज, हाईएस्ट मार्क, लोवेस्ट मार्क एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये सारे फंक्शन हमने प्रीवियस असाइनमेंट में भी यूज किए हैं। आइए हम इसमें भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लास एवरेज निकालने के लिए हम इक्वल एवरेज फंक्शन का उपयोग करेंगे। ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पर जिस रेंज में आपको एवरेज निकालना है उसे कैलकुलेट करके ब्रैकेट क्लोज
यूज करके एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्लास एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। इस फंक्शन को आप बाकी कॉलम के लिए ऐसे ड्रैग कर लीजिए राइट साइड में, तो देखिए राइट साइड में भी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही हाईएस्ट ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए इक्वल मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद जिस भी रेंज में आपको हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है उस रेंज को सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, तो देखिए दिए गए रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी। इस फंक्शन को भी आप राइट साइड में ड्रैग कर दीजिए तो देखिए बाकी कॉलम में भी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। ऐसे ही लोवेस्ट ग्रेड फाइंड करने के लिए हम इक्वल मिन फंक्शन का उपयोग करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और दिए गए रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, तो देखिए दिए गए रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मिन फंक्शन की हेल्प से आ जाएगी। इसे भी राइट साइड में ड्रैग कर देंगे तो बाकी कॉलम में भी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट को काउंट करने के लिए इक्वल काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और किसी भी वैल्यू के रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है क्रिएट हेडर दैट इंक्लूड्स डेट इन लेफ्ट सेक्शन एंड टाइम इन राइट सेक्शन एंड क्रिएट फुटर विथ आईडी नंबर इन लेफ्ट सेक्शन एंड पेज नंबर इन सेंटर सेक्शन। तो आइए हम अपने वर्कशीट में हेडर और फुटर भी इंसर्ट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट मेनू पे जाइए, हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे क्लिक करिए। हमको हेडर के लेफ्ट सेक्शन में डेट इंसर्ट करना है तो यहाँ करंट डेट ऑप्शन पे क्लिक करिए और राइट सेक्शन में हमको टाइम इंसर्ट करना है तो यहाँ करंट टाइम ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए सिस्टम में जो डेट और टाइम रहेगा वो हेडर पे आ जाएगा। ऐसे ही फुटर पर जाने के लिए यहाँ पर गो टू फुटर ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ फुटर के लेफ्ट सेक्शन में हमें कुछ आईडी नंबर लिखना है तो यहाँ कुछ आईडी नंबर टाइप कर दीजिए। सेंटर सेक्शन में हमें पेज नंबर लिखना है तो यहाँ दिए गए पेज नंबर ऑप्शन पे क्लिक करिए तो देखिए फुटर में भी पेज नंबर और आईडी नंबर आ जाएगा। और इसमें अगला स्टेप है सेंटर द वर्कशीट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ऑन द पेज एंड सेव द फाइल With the name Excel 5। तो आइए हम वर्कशीट में डेटा को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में सेट कर देते हैं और फाइल को सेव कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ फाइल मेनू पे जाइए, यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ से पेज सेटअप ऑप्शन पे क्लिक करिए, मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से सेंटर ऑन पेज में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऑप्शन को चेक मार्क कर दीजिए। फिर शीट ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से ग्रिड लाइन और रो एंड कॉलम हेडिंग ऑप्शन को चेक मार्क कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए तो देखिए डेटा पेज के सेंटर में आ जाएगा और इसमें रो और कॉलम की हेडिंग भी आ जाएगी और इसमें ग्रिड लाइन भी आ जाएगा। और फाइनली इसे सेव कर लीजिए एक्सेल 5 नाम से। इस असाइनमेंट में हमको प्रीवियस एक्सरसाइज में जो फंक्शन हमने यूज किए हैं उसके अलावा इफ फंक्शन का भी उपयोग करना है। तो आप इस एक्सरसाइज को अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक बार प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आईटी कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और सामने दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की तरफ से मिल सके। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।